लीजा पुत्र, तुम्हें याद है ना, हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह माय गॉड, ये तो वही है। अब क्या होगा? मेरी और क्या देख रही हो अंजना? कहानी का यह नया ट्विस्ट तो मुझे भी पता नहीं। पुत्र, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत? आप जानती हैं लीजा को? जब मिली थी तब नहीं पहचानती थी। आपकी बहू से मैं आज ही हॉस्पिटल में मिली हूँ। डॉक्टर के यहाँ? इससे क्या हुआ है जी? होगा क्या आंटी जी, एक औरत एक लेडी डॉक्टर के यहाँ, और वो भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाती है भला? लीजा, सच है? चोरी चोरी? ये क्या बातें कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। बड़ी खास बात है जी, आप दादा बनने वाले हैं। अच्छा, दादा? लीजा, I'm very happy लीजा, बहुत खुश हूँ। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे, और पोते को भी। भाई साहब, आपके कदम बड़े शुभ हैं, और आज का ये दिन भी बड़ा शुभ है। इतनी अच्छी खबर मिली, वो भी आप लोगों के जरिए। आपने सही कहा, आज बहुत ही शुभ दिन। बस आप हमारी बेटी को भी स्वीकार कर लें तो हमारी ये खुशी दुगनी हो जाएगी। जी जी, ये हमारे नहीं बल्कि हमारे बेटे अमन पुत्र के हाथ में है। बेहतर होगा आप उसी से पूछें। आगे बढ़ो अमन पुत्र। बेटा, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मुझे कुछ नहीं पूछना दादी माँ, बस इतना कहना है कि बोल ना पुत्र, तू कहना क्या चाहता है? इतना ही कहना चाहता हूँ मम्मी कि मुझे उमा पसंद है। मुझे भी कुछ कहना है रणबीर, वो भी एक शर्त के साथ। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी से जल्दी हो। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमेशा खुश रहो। विक्की, अपना रूम में जाओ। बट क्या हुआ लीजा? ए विक्रांत, नीचे आ जाओ। अबे, विक्की ड्रेस चेंज करके आ रहा है। ओके Just go, Vikki. लीजा, बेटा, इन दिनों मैं ऐसे जल्दी जल्दी नहीं उतरते बेटा सीढ़ियों से। अभय, यहाँ आओ बेटा। जी माँ। इसे कहो कि अब संभाले ही अपने आप को, और तुम भी ध्यान रखना। अच्छा भाई रणवीर जी, हम लोग चलते हैं, आप इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पुत्र, अपना ध्यान रखना। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू डैड। लाजवंती पुत्र, तू भी हमें ऐसी खुशखबरी सुना देना। वैसे उदय, ये न्यूज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये खुशियां तुम दोनों ही क्यों मनाओगे? घर में बाकी लोग भी तो है ना। कल का दिन बहुत शुभ है। कल के दिन हम पूजा करेंगे घर में। रणबीर पुत्र, ऐसा कर, अपने समधी जी को और अपने समधन जी को, दोनों को बुला लेना। जी मम्मी जी। रमा, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम दादा बनने वाले हैं और मैं दादी। लेकिन एक बात आपको अभी से कह देती हूँ, अब आगे जाकर मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। पूछिए क्यों? ऐसा क्यों जी? बच्चा आएगा तो उसके कितने काम होंगे, 1000 काम होते हैं बच्चों के। और लीजा को क्या पता कि बच्चे कैसे संभालते हैं? वो काम तो मैं ही करूंगी ना, दादी हूँ मैं उसकी। अरे हाँ, तो थोड़ा बहुत काम इस दादा को भी बता देना। और वैसे भी उसे मिलने मैं जल्दी आ जाया करूंगा, पहले बता देता हूँ। वो तो आपको आना ही पड़ेगा। इतने सालों से मैं आपको जल्दी घर बुला रही थी, तब तो आप कभी आए नहीं। अब आपका पोता आपको खींच लाएगा घर। हमें ऐसा लग रहा है कि वो सचमुच आ गया है ना? अभी आया नहीं है, आएगा तो जिम्मेदारी आपकी और बढ़ेगी। हाँ, और हम दोनों थोड़े बूढ़े लगने लगेंगे, मैं दादा और तुम दादी। जित्ती रह पुत्र, जित्ती रह। खुश रहो। आपने बुलाया दादी? हाँ, बुलाया था पुत्र। जब लीजा पुत्र ने मुझे परदादी बनने की इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। ला ला ला, ला हाँ, ये तेरे लिए है पुत्र। ऐसी दो जोड़ी बनवाई थी, एक अभय की वोटी के लिए और एक उदय की वोटी के लिए। लाजवंती पुत्र, तुझे अभी नहीं दूंगी, तुझे तभी दूंगी जब तू भी मुझे वो वाली खुशखबरी सुनाएगी। हाँ, ग्रैंडमॉम, आई कांट, आई मीन मैं ये कैसा ले सकता है? लीजा, बेटा ऐसे नहीं कहते। ये दादी माँ का आशीर्वाद है और उनकी खुशी भी। रख लो इसे। मॉम ठीक कह रही है लीजा, ले लो। हे माता रानी, तेरी कृपा हमारे घर पर ऐसे ही बनी रहे। बस तू मुझे एक सेहतमंद और सुंदर पोता दे दे माता रानी। पोता? पोती हो जाए तो? नहीं जी, पोता ही होगा। हाँ, देख लीजिएगा। इतनी परेशान क्यों हो लीजा? It's not good for the child. तुम्हारी रेखा चाची बिल्कुल ठीक कह रही है लीजा। तुम्हारी देखभाल करने के लिए और हमारे आने वाले नए मेहमान को देखने के लिए हम सब है ना। रमा पुत्र, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तू दादी बनने वाली है, अब तुझे ही इसका ख्याल रखना है, इसकी सेहत का, इसके खाने पीने का। चल चल, मैं तुझे सब समझाती हूँ। आइए। ओ गॉड, मेरा को माफ कर देना। ये लोग कितना खुश हो रहा है। जब इनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो गिव मी स्ट्रेंथ गॉड कि मैं अबे को सब कुछ बचा सके। अरे बाबा जल्दी लाओ, देर हो रही है। जी, नैना ने ध्यान ही नहीं रखा कि इसे भी इस्त्री करवाना है। देखो ना लाजवंती, एक नए मेहमान के आने की खबर से घर के सब लोग कितने खुश हैं। हाँ जी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अब आप देखना, उस नन्हे मेहमान के आने से अभय जी और लीजा जी और ज्यादा करीब आ जाएंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, तुम जल्दी से मुझे भी कुछ ऐसी खबर सुना दो। अब आपको देर नहीं हो रही है? आपको तो देरी हो रही थी ना। अब जाइए और जल्दी शाम को वापस आ जाइए। दादी जी ने पूजा भी रखी है, याद है ना। चली जाइए। अरे बाबा जा रहा हूँ, पहले तुम मेरे साथ अभय के पास चलो। अभय जी के पास? हाँ लाजवंती, अभय की जिंदगी में नए मेहमान के रूप में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है और उस खुशी को स्पेशल बनाने के लिए मैं उसे डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। बस इसीलिए उसके पास जाना है। अब चलो। Thank you so much for that wonderful surprise, darling. अबे, मेरा कुछ तुमसे कुछ बात करना है। क्या बात है? हमारा बच्चा ठीक तो है ना? अब ऐसा बात नहीं है अबे। तो फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। ओ लीजा, तुम भी किसी बात की टेंशन मत लो। बस खूब खाओ और खुश रहो। और देखो, साथ में तुम्हें घी, फ्रूट्स, स्वीट्स ये सब खाना पड़ेगा। अरे हमारे बच्चे के लिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अबे मेरा बात तो सुनो। ओके, बताओ क्या बात है? अबे तुम मेरा को गलत मत समझना। अजय, एक सेकंड लीजा, क्या तुम ये बच्चा नहीं चाहती? नो अबे, ऐसा बात नहीं है। तो फिर क्या बात है लीजा? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। अबे उदय, Congratulations अबे, एक बार फिर से। Thank you so much। अबे, इस खुशी के मौके पर हम दोनों तुम्हें डिनर पर बाहर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उदय। अरे बाबा, आज नहीं कल चलेंगे। एडवांस बुकिंग करने चला आया। भाई बड़े आदमी है, टाइम तो लेना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, लेकिन उदय लाजवंती से कहना कि वो लीजा को समझाए। अब क्या हुआ जी? नहीं कुछ हुआ तो नहीं, बस लीजा बिना बात पे टेंशन लेती रहती है और ये बच्चे के लिए और लीजा के लिए अच्छा नहीं होगा। लीजा जी, अगर आप खुश रहेंगी तो आपका बच्चा खुश रहेगा और सेहतमंद भी होगा। अब आपको अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि अब आप एक नहीं दो जिंदगियां संभाल रही है। हाँ यार, चलें, तुझसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। चलो ठीक है, I'll just be back। हाँ अब मैं अबे को कैसा समझाए कि जैसा सब लोग सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी, तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी मिलने वाले। ओके, कॉल यू लेटर, बाय बाय। प्रसादी से ही अपना मुंह मीठा कर लो विक्रांत, हमारा प्लान कामयाब होने वाला है। आपको भी बधाई हो रेखा जी। बस मुझे सिर्फ शाम का इंतजार है और लीजा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी। और मैं भी इस घर से और उमा से। विक्रांत, उमा का ख्याल छोड़ दो और काम पे ध्यान दो, वरना सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। और हाँ, लीजा तुमसे हेल्प मांगने जरूर आएगी। उसे वही समझा देना जो मैंने तुम्हें कहा है, याद है ना? अच्छी तरह से याद है, भूल कैसे सकता हूँ। इसी के बाद तो मुझे अपनी फाइनल पेमेंट मिलेगी ना। विक्की, तुम भी टेंशन में लग रहा है, बट यू हैव टू हेल्प मी। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। घर में सब लोग सेलिब्रेट कर रहा है। आई डोंट नो हाउ टू टेल देम व्हाट आई हैव डन। फिक्र मत करो लीजा, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। रास्ता? बट मैं ये बात अभय को। देखो, तुम अभय को ये बात बताना, लेकिन यहाँ नहीं। एक काम करो, तुम एक हॉलिडे प्लान करो, अभय को वहां ले जाओ और उसको वो बात बताओ, यही ठीक रहेगा। बट ये कैसा होगा? आज फंक्शन में जब अभय तुमसे मिलेगा, तुम उसे सरप्राइज दे दो और वो खुश होके तुम्हारी दिल की बात समझ लेगा। बस एक अच्छा सा इमोशनल मौका देकर उसे बात कर देना। What do you think? Yes, Vikki. Thanks. You are a true friend of mine. मैं ऐसा ही करेगा। देखो, तुमने मुझे एक ट्रू फ्रेंड कहा है ना? So let me book a holiday for you in the resort. And you gift it to Abhay. Okay. Thanks, Vikki. Thank you very much. आप बहुत जीनियस है रेखा जी, आपको पता था ना कि लीजा ये प्रॉब्लम डिस्कस करने जरूर आएगी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट विक्रांत। बस वो रिपोर्ट्स मंगवा लेना, फिर देखना उस रिपोर्ट्स को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ।